ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फार्म कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के सदस्य ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्रेस को संबोधित किया। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को ICAR की रैंकिंग में 11वां स्थान प्राप्त करने पर संघ प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि देश भर में लगभग 75 कृषि विश्वविद्यालय में पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ये स्थान प्राप्त करना गौरव का विषय है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फॉरम कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के सदस्यों ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्रेस को संबोधित किया। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को ICAR की रैंकिंग में 11वां स्थान प्राप्त करने पर प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि देश भर में लगभग 75 कृषि विश्वविद्यालय में पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा यह स्थान प्राप्त करना गौरव का विषय है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फॉरम उपलब्धि का श्रेय छात्रों और अध्यापकों व कर्मचारियों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन को भी जाता है। डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फॉरम पिछले 5 वर्षों से कार्यरत है और इन 5 वर्षों में साइंटिस्ट ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। अब फॉरम प्रदेश का संगठन बन गया है जिसमें प्रदेश में कार्य करने वाले अन्य कृषि संस्थानों में कई वैज्ञानिक फॉरम के सदस्य बनाए गए हैं। इसी कड़ी में अगस्त में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रदेश भर के वैज्ञानिक भाग लेंगे। इस सम्मेलन में कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों पर वैज्ञानिक चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि संघ ने पिछले पत्रकार सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन के कथित भ्रष्टाचार में शामिल होने के मुद्दे को उठाया था। वो प्रदेश सरकार से मांग की थी कि उन्हें तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए, लेकिन अफसोस कि प्रदेश सरकार ने अभी तक इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं की। अभी हाल में ही RTI के माध्यम से सूचना के आधार पर ये ध्यान आया है कि शूलनी यूनिवर्सिटी में BSSC एग्रीकल्चर विषय को रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन ने नियमों को दरकिनार करते हुए अनुमति प्रदान की है। कमीशन के सदस्यों ने भी चेयरमैन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व राज्यपाल को शिकायतें भेजी हैं कि जो गंभीर आरोप लगाए हैं जिनकी जांच करवाएं तथा ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त करें। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फोरम के सदस्यों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश प्राइवेट एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन को समाप्त करने की अपील की है। पत्रकार साथियों, जैसा कि डॉक्टर जनार्दन ने कहा कि आज का जो हमारा पत्रकार सम्मेलन है उसके हमारे 3-4 पॉइंट्स है जिन पे हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको मालूम है कि हमारे देश में 75 ऐसे कृषि विश्वविद्यालय हैं जो देश भर में कृषि के क्षेत्र में शिक्षा दे रहे हैं और पिछले कुछ समय से हमारे जो विश्वविद्यालय की रैंकिंग थी वो बहुत नीचे चली गई थी, लेकिन पिछले 1-2 वर्षों में विश्वविद्यालय प्रशासन, यहाँ के छात्रों, यहाँ के अध्यापकों और वैज्ञानिकों की मेहनत से विश्वविद्यालय की रैंकिंग सुधरी है और हम देश भर में 11वें रैंक पर आए हैं। इसके लिए हम विश्वविद्यालय प्रशासन को, यहाँ के छात्रों को, प्राध्यापकों को, सबको बधाई देते हैं। दूसरा विषय, जैसे कहा कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट फोरम है, हमने ये कहा था कि हम इसको स्टेट लेवल पे एक रूप देने जा रहे हैं और इसी कड़ी में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश भर से लगभग हमने 20 नए वैज्ञानिक जो हैं उनको जिम्मेदारी दी है और ऐसे लगभग 100 के करीब जो वैज्ञानिक हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं उनको साइंटिस्ट फोरम ने अपने साथ जोड़ा है और जोड़ने का हम और प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने ये डिसाइड किया है कि अगस्त महीने में 20 से 25 के बीच, जैसे हमें हमारी बातचीत चल रही है, जिनको अतिथि को हमने बुलाना है, जैसे उनकी डेट फाइनल होती है, तो ये स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस हम करना चाहते हैं। और इस स्टेट कॉन्फ्रेंस का मेन इशू यही है कि हमारे जितने भी एग्रीकल्चरल फील्ड में साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनको एक स्टेट लेवल पे एक प्लेटफॉर्म देना, एक दूसरा कि कृषि से संबंधित हमारी क्या भूमिका प्रेजेंट सिनेरियो में हो सकती है और कैसे हम लोग जो हैं उसमें कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, उसके लिए हम ये कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये हमारी कॉन्फ्रेंस के कुछ इश्यूज रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी कमीशन बनाया है जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करता है, जिसका काम है कि जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो मॉनिटर करें, उनके एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करें। पिछले पत्रकार सम्मेलन में भी हमने ये इशू उठाया था और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सबूत होने के बाद, इतने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होने के बाद प्रदेश सरकार जो है इस पर निर्णय क्यों नहीं ले रही है।
और अभी हाल ही में जो कमीशन है, रेगुलेटरी कमीशन है, उसके जो मेंबर्स हैं वो भी आपस में लड़ रहे हैं और वहाँ भी जो है वो स्थिति ठीक नहीं है। रेगुलेटरी कमीशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो गवर्नर से मिले हैं, चीफ मिनिस्टर से मिले हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से मिले हैं। वहाँ जो करप्शन चल रही है, वहाँ जो इरेगुलरिटीज चल रही हैं, उनको पॉइंट आउट किया गया है। और एक ऐसा ही इंसिडेंट आपको हमने जो RTI के माध्यम से इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसकी कॉपी हमने दी भी है और इस प्रेस नोट में भी हमने लिखा है कि BSc एग्रीकल्चर प्रोग्राम को कैसे उन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी की जो एक बॉडी बनी है स्टेट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट ने जो बॉडी बना रखी है, उसके विरोध के बावजूद भी वहाँ कैसे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को सिंगल हैंडली जो है वो कुछ कोर्सेज को वहाँ अप्रूवल दे रहे हैं,